जी अगला सवाल है, बहन पूछती है कि क्या शौहर के कहने पर दीनी इल्म हासिल करना सीखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाशौहर जो दलील देते हैं कि अगर कोई अपने शौहर का ख्याल करती है और अपने इज़्ज़त की हिफाजत करती है तो जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इतना काफ़ी है समझते हैं, तो शौहर ये दलील देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भाई यह दलील जो है औरतों के लिए है, ना ये कि मर्द साहब ये दलील पेश करें। असल चीज़ ये है कि दीनी इल्म दो किस्म का है, एक वाजिबी इल्म है और एक तकमीली है। वाजिबी इल्म के लिए शौहर की इताअत ज़रूरी नहीं है, वाजिबी इल्म जो है। अलबत्ता जो तकमीली है, अगर शौहर इजाज़त नहीं देता है तो उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन अगर वो शौहर की जो काम हैं, शौहर के जो हुकूक हैं उनको अदा करने के साथ साथ शौहर के बताए बगैर, आजकल जैसे सूरत हाल है किसी से टेलीफोन करके पूछ लिया है ना, कोई किताब पढ़ ली, कोई केसर सुन ली, अगर अपने आप कर लेती है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है कि नहीं है? अब बात शौहरों की फहरिस्त भी तो कभी कभी लंबी हो जाती है, तो ये तो करते करते ही अब जाहिर बात ये तो उर्फ का मामला है, इसका मामला है, ये उर्फ में वो जिस जगह रहती है औरतें क्या काम करती है ये देखा जाएगा, ना ये कि शौहर जो है, ये अलग मसला है। देखिए एक जायज की बात मैं कर रहा हूँ, ये अलग मसला है कि बहन जो है वो ठीक है उसी पर सब्र कर ले और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखे। अल्लाह ताला के यहाँ देखिए कोई चीज़ ज़ाय होने वाली नहीं है, है ना। मिसाल के तौर पर ऐसे होता है कि बाज़ शौहर हैं जो बिल्कुल केयरलेस होते हैं, कुछ घर का उनको ख्याल नहीं, जो चाहे जैसे चाहे जैसे रहे, और बाज़ शौहर ऐसे रहते हैं उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि सामान ऐसे होना चाहिए, बिस्तर ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, खाना ऐसे बनना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए, ये सब शेड्यूल लेके आते हैं, तो किसका ख्याल करना मर्द की औरत के लिए ज़रूरी है या नहीं? यही उस उर्फ को देखा जाएगा वहाँ क्या चीज़ है, आम औरतों की क्या काम है वो ले, ये नहीं कि अपनी तरफ से उनके ऊपर फर्द करता रहे। जी सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें, ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरुस्त मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।